हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नए इस नए अपडेट के बारे में जो कि लाइव हिंदुस्तान अखबार में ये पब्लिश हुआ है। लॉकडाउन, एसएससी की कई परीक्षाएं अधर में, अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ी। तो ये एक अपडेट है। ये एक वेबसाइट livehindustan.com, इस वेबसाइट पर इन्होंने ये आर्टिकल निकाला है। आप इसको जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। सो दिस इज़ द अपडेट, आप देख चाहो तो देख सकते हो इसे यहाँ पर। सो इसमें इन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन का चौथा चरण रविवार को पूरा हो जाएगा। शनिवार को शाम पांचवें चरण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ऐसे में एसएससी की भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी के एसएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई हैं। जून में आयोग की ओर से एक दो नहीं बल्कि टोटल 5 भर्तियाँ उन्होंने प्रस्तावित की थी। इनमें से 3 नहीं हो सकेंगी क्योंकि 2 भर्तियों के पूर्व के चरण की परीक्षा नहीं हो सकी, यानी उनका टीयर 1 ही नहीं हो सका है। वहीं एक भर्ती के पूर्व के चरण की परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हो सका। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट सीजीएल, ठीक है, सीजीएल टीयर 1। शेष 2 भर्ती परीक्षाएं जून में निर्धारित होंगी तथा निर्धारित तिथि पर होंगी या नहीं, जो दो परीक्षाएं नहीं हो सकी उसके बारे में निर्णय लॉकडाउन के स्थिति स्पष्ट होने के बाद होना है। यानी कि चौथे चरण के लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद एसएससी 21 मई को बैठक की थी। 21 मई को लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 जून को फिर बैठक होगी जिसमें आगे की स्थिति पे विचार किया जाएगा। यानी कि आज 31 मई है, कल यानी 1 जून को दोबारा से मीटिंग होगी जिसमें वो आगे की सिचुएशन को देखेंगे और बताएंगे कि क्या अपडेट क्या होगा, कब होगा एग्ज़ाम। और जैसा कि मैंने कल के एक वीडियो में बताया था, लॉकडाउन 5.0 वाले वीडियो में, कि चूंकि अब ज़्यादातर चीज़ें खुल रही हैं तो आपका एग्ज़ाम भी होने ही वाला है, ठीक है। लॉकडाउन के समस्त प्रतिबंधों को समाप्त हुए बगैर परीक्षाएं कर पाना संभव नहीं होगा क्योंकि आयोग की परीक्षाएं 150 शहरों में आयोजित की जाएंगी और इनमें से कई शहर रेड जोन में हैं। तो आपको पता है अनलॉक 5 जो 1.0 है या लॉकडाउन 5.0, इसमें कई सारे सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी जगहों पर ज़्यादातर छूट दे दी जाएगी, तो शायद अब आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट हो सकते हैं। आयोग के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में 10 से 12 जून तक सिलेक्शन पोस्ट के 8वें चरण की भर्ती के लिए ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा, तो 21 जून को सीपीओ की दूसरे पेपर की परीक्षा प्रस्तावित है। 21 जून को जेई भर्ती के दूसरे पेपर की परीक्षा प्रस्तावित की गई थी लेकिन लॉकडाउन के से इसके पहले की परीक्षा नहीं हो सकी, यानी टीयर 1 का ही पेपर नहीं हो सका है। 22 से 25 जून तक सीजीएल 19 का टीयर 2 शेड्यूल था, इसलिए ये भी नहीं हो पाया, इसलिए आप इसके पहले चरण की भी परीक्षा अभी घोषित नहीं हो सकी है, ठीक है। तो दिस वाज अ न्यूज़ आर्टिकल जो कि livehindustan.com इस वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। यानी कि बेसिकली इन्होंने एक आर्टिकल और इस तरीके का एक न्यूज़ पब्लिश किया है कि ये सारे एग्जाम्स नहीं हो सके हैं और 1 जून को एसएससी दोबारा से मीटिंग करने वाली है। जो इसमें हमें एक बात पता चलती है वो यही पता चलती है कि 1 जून को दोबारा से बैठक होगी जिसमें वो आपको बताएंगे कि आगे क्या फॉलो होने वाला है और कब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ आर्टिकल था, आई होप आपको कुछ जानकारी मिल गई होगी। वर्ड पर मेडी जी की समरी देखने के लिए आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पर मेरे ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन ग्रामर जून मंथ में पूरा चलेगा। एरर डिटेक्शन का कोर्स यानी जो कल से शुरू हो रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कोर्स 8 जून से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोर्स 15 जून से और इडियम फ्रेजेस का कोर्स 23 जून से शुरू हो रहा है। इन सारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 8299117042, जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।